नगर जिले के जेवर के नजदीक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को केंद्र सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद अब ये उम्मीदें जताई जा रही है की 2022 तक चालू हो सकता है। जानकारी के मुताबिक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए 15,754 करोड़ रूपए निवेश किया जाएगा। आपको बता दें कि हवाई अड्डे के नए सिरे से विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, जिसे दिल्ली में संचालन समिति की बैठक में औपचारिक रूप से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। अब नोडल एजेंसी बिड डॉक्यूमेंट तैयार कर जून में ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। 3 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी होनी है। नागर विमानन विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव सूर्यपाल गंगवार ने इस संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कुल 4 चरणों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर लगभग 15,754 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना संभावित है। गंगवार ने कहा कि परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए कुल 8 गांव की 1,441 हेक्टेयर भूमि की खरीद या अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। 2022 तक जेवर एयरपोर्ट के संचालन होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती चरण में 2 रनवे बनाए जाएंगे। इसके लिए जमीनी खरीदने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।